कितना ज़्यादा है, तो ये 8,500 जो वक्त स्टेट है जिसमें 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा की जमीनें पड़ी हुई हैं, जिस पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इस पर कौन काबिज है? क्या वक्त स्टेट इसका हिसाब दे पा रहा है? क्या हुकूमत मदद कर रही है? ठीक है, इसको बाजियाब कर लिया जाए, यहाँ पर जो कब्जा है उसको हटाया जाए, निकाला जाए। हमारी मदद नहीं कर रही है, हमारा इतिहास तो नहीं है ना, हम तो अपनी चीज, अपनी कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, सवाल नहीं जाएगा। तो ये लोग कुछ इस तरह के इशू पैदा कर देते हैं कि हम उसी में परेशान रहेंगे, हमारा मैन पावर, हमारा जैन, हमारा पैसा उसी को सुलझाने में सारा दिन सारा रात बीत जाता है। हम दूसरा काम कब करेंगे भाई, कब करेंगे? आप तो हमको खाम खाम जो बात नहीं होनी चाहिए वो भी बोल दिए, स्टेटमेंट दे दिए, पुलिस लगा दिए, अपने लोगों को रुका दिए, और खाम खा हम अब उसको ले करके तंजीम बना रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग कर रहे हैं, पैसा दिया, वक्त दिया, शहर गई। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आप बोलेंगे कि साहब भाई क्या बोले, देखिए कोई इशू नहीं है, एक हिजाब का मसला है, 1,000 का मसला कर्नाटक में। अरे भाई कौन आदमी क्या पहनेगा क्या खाएगा, इससे आपको क्या लेना देना है? आप उठा दिए भैया पेंशन नहीं आना है, जानते हैं कितनी परेशानी हुई, आज वहाँ की हुकूमत हारी गई है, उनको मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन इस दौरान में इस 2 साल में इस हिजाब पर लेकर के हमको कलकत्ता की सड़क पर जुलूस निकालना पड़ा, लोगों को बुलाए, बैनर बनवाए, दिन भर दौड़े। किस लिए दौड़े, क्या जरूरत है इस बात की? हमारी मेहनत मेहनत नहीं है, हमारा वक्त वक्त नहीं है, आप एक बात बोल देंगे, एक लफड़ा लगा देंगे और हमारा सब गया, उसके पीछे दौड़ते रहिए, मीटिंग करते रहिए, जलसा करते रहिए, जुलूस निकालते रहिए। हमें परेशान करने के लिए इस तरह का सर्कुलर निकाल दिया गया, और वाकई हम इससे परेशान हैं। जो सर्कुलर जो निकला है वो 12 पेज का सर्कुलर है, और उसको पढ़ते रहे, समझते रहे, ताकि आपके सामने जब बात रख सकें तो कायदे की बात है, बात समझ में आए। सर्कुलर में क्या है, पहले इसकी बात बता दें, WBCS में 3 हफ्ते एग्जाम दिया जाता है। नंबर 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, पहले होता था इससे पहले सर्कुलर से पहले 200 नंबर का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम जो है, लेकिन उसमें जब तादाद 50,000 से ऊपर हो गई, लाखों की तादाद में बच्चे बैठने लगे, तो कम वक्त में इतनी सारी कापियाँ जाँच करके रिजल्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से हम बलम हुकूमत में ही ये शुरू किया था कि चलो मेन एग्ज़ाम में बैठने से पहले स्क्रीनिंग कर लेते हैं, हर 1 लाख बच्चा बैठा कंप्यूटर बैठे तो 90 को छाँप के 10,000 को हम मेन एग्ज़ाम में ले जाएँ। स्क्रीनिंग 200 होता है। इस सर्कुलर के मुताबिक जो 24 से जिसका इतलाफ होगा, इसमें 400 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया गया। एक तो 200 जैसे था वो है, 200 नया बढ़ाया गया है 200 नंबर, और उसमें ये शर्त रखी गई है कि ये जो नया जो 200 स्टेट पेपर होगा इसमें आपको 33% नंबर लाना पड़ेगा। जो 200 का था हम पास करते थे, डायरेक्ट जाते थे, अब क्या हुआ कि 200 हुआ है और 200 का इजाफी जो पेपर बढ़ाया गया उसमें 33% की शर्त भी लगा दी गई। अब वो 200 में अगर आप 150 भी पाएँ और ये 33 वाला जो है अगर इसमें होता ना खासा 30 में आ गए तो ये वो भी गया ये भी गया, एक तो ये परेशानी बढ़ाई गई। बहरहाल ये सबके लिए है, चलो जो मुसीबत 70 आती है तो उसमें हम भी सह लेंगे। शेर याद आ रहा है कि तूफान का क्रम है सब पर सामियाना, तूफान का क्रम है सब पर मसावियाना, क्या तेरा आसियाना क्या मेरा आसियाना, तूफान आया है तो सब पर है, ये दोनों पेपर तो उसके लिए भी हमारे लिए भी है। उसके बाद जो पेपर है मेन एग्ज़ाम से, मेन एग्ज़ाम में 8 पेपर पहले भी था और आज भी उसको रखा गया, इसमें गड़बड़ी आई है मगर उसको हम बता रहे हैं।
उससे पहले 800 नंबर का जो पेपर है उससे पहले आपको दो पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। एक का नाम रखा हुआ है पेपर ए और दूसरा है पेपर बी। ये ए और बी, पेपर ए जो है वो 300 नंबर का है, बंगला और नेपाली जबान का पेपर होगा, और बी जो है वो अंग्रेजी जबान का पेपर होगा, ये भी 300 नंबर का। अब इसमें मुसीबत यह है कि तमाम लोगों को जो प्रीलिम पास किए स्क्रीनिंग के बाद आ गए हैं, उन तमाम लोगों को पेपर ए और पेपर बी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी, फिर बंगला में 30% और अंग्रेजी में भी 30% से आपको पास करना होगा। तो ये जो नया जो स्कीम आया, जो नया जो सर्कुलर आया पेपर ए और बी, ये तो हमारे लिए बहुत जानलेवा है। इस वजह से कि बंगला का 300 का नंबर में हमें करना पड़ेगा और उसमें 30% यानी 90 नंबर हमको लाना पड़ेगा, वरना मेन जो एग्ज़ाम है वो 800 का उसकी कापी ही नहीं देखी जाएगी। आप पूरा एग्ज़ाम देंगे, पूरा खटेंगे, रात रात में जाकर पढ़ेंगे, कोचिंग कर जाएंगे, ट्यूशन देंगे और 1000 पेपर का आप एग्ज़ाम दे देंगे। पहले ए और बी ये 10 पेपर का एग्ज़ाम दे, पहले ये दो पेपर दाखिल करके उसमें अगर बंगला में आपका 30% नहीं है, आउट ऑफ 300 आपको 90 नंबर अगर नहीं आया है, तो आपका सब बोलते हैं ना गई भैंस कानी में, सब एग्ज़ाम दे दिया, 800-900 पेपर दे दिया, आपको बंगला पर क्लियर नहीं कर पाए। यही हम लोगों को इतराज़ है हिंदी वाले, उर्दू वाले, संथाली वालों को कि हमारी मादरी जबान नहीं है, हम इसको बचपन से पढ़े लिखे समझे नहीं, स्कूल में हमको बंगला की तालीम नहीं दी गई, और आप एग्ज़ाम में बोल रहे हैं कि 300 नंबर का पेपर रहेगा, इसमें आपको 30% आपको लाना पड़ेगा। तो 300 नंबर बंगला और 300 नंबर अंग्रेजी, ये 300 नंबर जो बंगला आया है इसमें जो हर आदमी को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 30% मार्क्स उठाना पड़ेगा, इसमें हर 99% उर्दू वाले, बंगला मुसलमान है, बंगाली भाई हैं, ठीक है थोड़ा इजी है, लेकिन उर्दू वाले, हिंदी वाले, संथाली वाले ये 99% यहीं पर रुक जाएंगे और उनकी तमाम मेहनत अकादत से की जाएगी। हम यहीं पर गुजारिश करते हैं, रिजोल्यूशन दिया गया है, आइंदा दिनों भी दिया जाएगा, हमारी एहतियात, हमारी कोशिश जारी रहेगी ताकि हुकूमत के कानों तक हमारी बात पहुँचे और उस पर हमदर्दी के साथ गौर करके इसमें मुमकिन तब्दीली कर दे, ताकि हम आइंदा दिनों में अपनी मेहनत का फल काट सके। वरना मेहनत तो करेंगे, रात जानेंगे, कोचिंग जाएंगे, ट्यूशन लेंगे, एक पेपर में फेल किए पूरा का पूरा गायब। नाम पे बड़े भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, और सामने आर्य यूनिवर्सिटी जो पुरानी बामफ्रंट की सरकार इतने अच्छे संस्थान गढ़े थी, आर्य यूनिवर्सिटी में सब भाषा भाषी के लोग पढ़ते थे, बच्चियाँ पढ़ती थी, लड़कियाँ पढ़ती थी, लड़के पढ़ते थे, चाहे हिंदी को, चाहे उर्दू को, चाहे बंगला भाषी को, आर्य यूनिवर्सिटी को नष्ट किया जा रहा है, जितने शैक्षणिक संस्थान उसको नष्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि आप शिक्षित मत रहो, अशिक्षित रहो, मूर्ख बने रहो, ताकि हम जो बोले, जो थोपे, आप वही पढ़ो, वही समझो, वही करो। इस चीज़ को समझना हो तो हमारे साथी इशाक भाई काफ़ी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के इस सब्जेक्ट के विषय में बारीक बारीकी समझा चुके हैं, मैं उसके पूरी तरह से नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा आप इस चीज़ के समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। भाषा जितना जानेंगे अच्छा है, चाहे किसी भी जात की भाषा हो, चाहे किसी भी धर्म की भाषा हो, जितना भाषा जानेंगे, जो भी हमारा बच्चा हमारे घर का है, आज जर्मन जाने, इंग्लैंड की भाषा जाने, चाइनीज जाने, जापानीज जाने, भारत की जो भाषा है, जितने भाषा जाने, अच्छी है, अच्छी बात, जानेंगे तभी खचित रहेंगे। आज हमारे सामने चाइनीज कुछ बोलकर चले जाएंगे, अगर हम चाइनीज भाषा समझेंगे तभी समझ पाएंगे जो क्या बोल रहा है। अगर हम उर्दू जानते हैं, उर्दू समझेंगे तभी ना उर्दू वाले क्या बोल समझेंगे क्या बोल रहा है। अगर हम हिंदी जानेंगे तो हिंदी वाले क्या बोले तभी ना समझेंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। भाषा बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अभी तक जात पात के नाम पर लड़ा रहे थे, अब भाषा के नाम पर लड़ना स्टार्ट कर दिए। आप लोग चला रही है बंदर की तरफ, उसी का ये रिजल्ट है, आरएसएस का ही देना कि आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ का हवा, आप हवा बदल रहा है, लोग सचेत हो रहे हैं, तुरंत भाषा के नाम पर ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि बंगला भाषी, हिंदी भाषी, उर्दू भाषी ये तीनों बढ़ जाए आपस में। इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं हम लोग इसी तरह बेवकूफ़ बन रहेंगे, और ये लोग बंदर बांट कर सत्ता हासिल करते रहेंगे, हमें आपस में लड़ाते रहेंगे।
सब राजनीतिक कारण होता है, हमें समझ में नहीं आता है। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग आज यहाँ प्रचार प्रतिवाद सभा लगाए हैं, आप लोग को जागरूक करने के लिए। बाकी तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हमारे संस्थान है, हमारे साथी हैं, ये लोग आंदोलन करेंगे, साथ में लोग आंदोलन करेंगे, जहाँ डेपुटेशन देना हो डेपुटेशन देंगे, इसके खिलाफ और प्रतिवाद सभा करेंगे, सब चलेगा। लेकिन आप लोगों को आवाम को हम लोग को साथ आना पड़ेगा, तभी आवाज बुलंद हो सकती। आप देखिए सामने, आप देखिए कर्नाटक में सामने भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर किस तरह से भाषा धर्म के नाम पर, हिजाब के नाम पर राजनीति हुई है। एक प्रधानमंत्री यहाँ के बोल रहा है, जय बजरंग बली बोलो और वोट डालो, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। कोई पंडित बोलता, कोई पुजारी बोलता, कोई पुरोहित बोलता, कोई सनातनी बोलता तो चलता। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री किसी एक कौम की नहीं हो, आप देश की, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप किसी जात या किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हो। उनके मुंह से ऐसा भाषा सुनने को मिलता है, तो हम लोग को जागना पड़ेगा। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं और इस चीज को समझेंगे नहीं, ऐसे ही सत्ता हासिल करने वाले लोग हमें आपस में बांट कर सत्ता हासिल करके राज करते रहेंगे।